गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे आपका औ की मात्रा वाले शब्द। ठीक है, पेज नंबर आपका 52, पेज नंबर 52, पेज नंबर 52 में आपका औ की मात्रा वाले शब्द है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे आपका जैसे औरत, औजार, औषधि, औलाद, और ठीक है। औ की मात्रा वाले शब्द औरत, औजार, औषधि, औलाद, और अब ये जो हमने ये पूरा औ लिख दिया, औ लिख दिया है, अब हम इसकी मात्रा वाले शब्द लिखेंगे। जैसे पौधा, अब हम इसकी मात्रा का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, नौका, खिलौना, मौसम, कौन और मौसी, ये हमने इन शब्दों को लिख दिया है। ठीक है ना, अभी हमने पूरा औ लिख रहे थे, अब हमने इसकी मात्रा का उपयोग किया है। ठीक है, अब आ जाइए आप पेज नंबर 53 पे। 53 में आपको देखिए चित्र को सही शब्द से मिलाना है आपको। ये नौकर, नौकर से मिला देंगे, कौवा को कौवा से, सौ सौ से मिलाएंगे, और तौलिए को तौलिया से मिलाएंगे। ठीक है ना, इसके बाद पेज नंबर 54 पे आएंगे हम। पेज नंबर 54 पे देखिए आपको एक छोटी सी कहानी दी हुई है, उसे हम पढ़ेंगे और फिर उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। सौरभ, रोना और गौरव, कौन कौन? सौरभ, रोना और गौरव अपनी मौसी के घर गए। बारिश का मौसम था, बच्चों के साथ उनका नौकर भी गया। मौसी का घर बहुत सुंदर था, सामने पार्क में हरे हरे पौधे थे। बच्चों ने बारिश के पानी में कागज की नौका बनाकर तैराई, उन्हें बहुत मजा आया। लौटते समय मौसी ने बच्चों को ढेर सारे खिलौने दिए। अब हम इसके प्रश्नों के उत्तर भी देखेंगे। तो हम इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं, प्रश्न हम पढ़कर बोलेंगे आपको, ठीक है, और आंसर इसमें हम लिख देंगे। ठीक है, प्रश्न हम पढ़ेंगे और आंसर लिखेंगे, तो आप चाहे तो अपने बुक में लिख लेंगे। तीनों बच्चों के नाम क्या थे? तीनों बच्चों के नाम क्या थे? एक का नाम था सौरभ, दूसरा रोना और तीसरा कौन था? गौरव। इसके बाद वे सब किसके घर गए? वे सब किसके घर गए? मौसी के, किसके? मौसी के घर गए थे वो। इसके बाद उनके साथ और कौन
क्वेश्चन नंबर 4, पार्क में उन्होंने क्या क्या देखा? ठीक है, पार्क में उन्होंने क्या देखा? हरे हरे पौधे। क्या देखा? हरे हरे पौधे। इसके बाद बारिश के पानी में उन्होंने क्या तैराया? क्या तैराया बारिश के पानी में? क्या तैराया? नौका। बारिश के पानी में क्या तैराया? नौका तैराया। और लौटते समय मौसी ने उन्हें क्या दिया? क्या दिया मौसी ने उन्हें? ढेर सारे खिलौने। तो हम सिर्फ खिलौने लिखेंगे। आगे समझिए, फिर से हम प्रश्न पढ़ रहे हैं और उत्तर भी हम आपको समझाते जाएंगे। तीनों बच्चों के नाम क्या थे? सौरभ, रोना, गौरव। वे सब किसके घर गए? मौसी के घर गए। प्रश्न नंबर 3, उनके साथ कौन गया? नौकर। प्रश्न नंबर 4, पार्क में उन्होंने क्या देखा? हरे हरे पौधे। इसके बाद बारिश के पानी में उन्होंने क्या तैराया? नौका। और प्रश्न नंबर 6 में है, लौटते समय मौसी ने उन्हें क्या दिया? खिलौने। ठीक है, अब आप अगले पेज पे आएंगे। पेज नंबर 55 में देखिए, पेज नंबर 55 में आपको दिया है सृजनात्मक गतिविधि। इसमें आपको क्या करना है? अपने उन खिलौनों के चित्र बनाकर रंग भरो जो तुम्हें सबसे अच्छे लगते हैं। खिलौनों के चित्र भी चिपकाए जा सकते हैं। अब आपको जो भी अच्छा खिलौना लगता है, गुड़िया अच्छी लगती है या बॉल अच्छा लगता है, यानी जो भी, या कैरम, जो भी आपको अच्छा लगता है, तो आप उसमें उसका चित्र बना लेंगे और उसको कलर करेंगे। अगर आप चित्र नहीं बनाते हैं तो उनके चित्रों को चिपका देंगे। आगे आइए, पेज नंबर 56 पे आ जाइए। देखिए 56 में दिया है, आओ लिखें और अंतर समझें। अब यहाँ ओ की मात्रा है और नीचे औ की है। क्या है? ओ की मात्रा ओस, ओखली, मोर, खरगोश। तो आपको क्या करना है? सेम सेम लिखना है और समझना भी है। इसके बाद है औ, औजार, औरत, मौसी और खिलौना। तो ये आपको देखकर यहाँ पर लिखना है और अंतर भी समझ में आना है। किसी में ओ की मात्रा है और औ की मात्रा। तो आप ये अपना होमवर्क जो है, हमने आपको ये दिया है पेज नंबर 55 और 56 का होमवर्क दिया है, ये आप अपनी बुक में फिट करेंगे। ओके।